नमस्कार ई टीवी के सभी दर्शकों को पहले तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। कोरोना के प्रकोप के लगभग दो वर्षों के बाद इस वर्ष होली के त्यौहार में कुछ रौनक देखने को मिल रही है और आज हमारे साथ खास तौर पर मौजूद हैं प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल जी। दो साल बाद इनके निवास पर भी होली मिलन समारोह का आयोजन किया जाए। मंत्री, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई होली पर्व की। हम लोग वर्षों से होली का त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते रहे पूर्ववासियों के साथ, और मेरे निवास पे हजारों की संख्या में लोग हर होली के त्यौहार में आते हैं। हम लोग रंग खेलते हैं, गुलाल खेलते हैं, सबके साथ भजिया जलेबी का आनंद लेते हैं। लेकिन दो वर्षों तक लगातार कोरोना महामारी की वजह से इस त्यौहार को मनाने में थोड़ा सा दिक्कतें गई और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के कारण, तो अभी इस साल जब कोरोना से मुक्ति मिली है तो अभी हमारे साथियों ने सभी ने कहा कि होली का त्यौहार इस बार फिर से मनाया जाए, उसी के तहत अभी त्यौहार मनाया जा रहा है और लगातार हजारों की संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं, रंग गुलाल लगा रहे हैं, गले मिल रहे हैं और नाश्ते का आनंद ले रहे हैं। मंत्री जी, जैसे कि जिले की अगर बात करें हम, तो इस होली के त्यौहार पर क्या आप जनता से कोई और वादा करना चाहेंगे, फिर चाहे सड़कों के अधूरे वाली बात हो या जिले के अन्य विकास वाली बात हो? देखिए, जिले के जो भी विकास कार्य आपने देखा होगा कि लगातार हम लोग लगे हुए हैं, सड़कें काफ़ी मात्रा में बन रही हैं, कुछ बन चुकी हैं, कुछ और अभी बनना बाकी है, वो भी बनेंगी, स्वीकृति हो चुकी है। तो लगातार हम लोग चाहे मेडिकल के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज हो, चाहे आपके हॉस्पिटलों का जीर्णोद्धार हो, और बिजली पानी सड़क जो हमारा मुख्य मुद्दा है, और चिकित्सा और शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और जो बचे हुए काम उनको भी पूरा करेंगे। मंत्री, जैसा कि आपका खास तौर पर राजस्व विभाग है, अब डेढ़ साल और बचे हैं चुनाव के लिए, तो इन डेढ़ सालों में ऐसे कौन से और अधूरे काम होंगे जो आप पूरे करना चाहेंगे? देखिए, राजस्व विभाग में आज़ादी के बाद आज तक जितनी तहसीलों का गठन जिस प्रकार से किसी भी पांच क्या पिछले 15 साल के कार्यकाल में नहीं हुआ, तो इस प्रकार से चाहे कोई भी सरकार रही हो, 5 साल, 10 साल, 15 साल, जो तहसीलों का गठन नहीं किए, हमने अभी 79 तहसीलों को बनाने का निर्णय ले चुके हैं, जिसमें अधिकांश तहसीलें खुल चुकी, कुछ तहसीलें अभी प्रक्रियाधीन है जो खुल जाएंगी, जिनका बजट भी सेंक्शन हो चुका है और आपकी घोषणा भी हो चुकी है। इसके साथ कुछ तहसीलें जो और भी 2, 5, 10 बची होंगी वो भी खोलेंगे। इस प्रकार से पूरे प्रदेश में सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के लिए हमने राजस्व विभाग में प्रयास किया है और 5 जिलों का भी निर्माण, इसमें एक जिला खुल चुका है, गोरिल्ला पेंड्रा मरवाई, 4 जिलों की घोषणा हो चुकी है, उनकी प्रारंभिक प्रकाशन भी हो चुका है और उनकी औपचारिकताएँ लगभग पूर्णता की ओर हैं। तो वो 4 जिले आपके शक्ति है, सारंगढ़ है, आपका मनेंद्रगढ़ है, और एक राजनांदगांव जिले से आपका एक जिला अलग होगा। इस प्रकार से वो 4 जिलों की भी प्रक्रियाधीन है और इस प्रकार से राजस्व विभाग में बहुत से ऐसे मामले जो पहले लंबित रहते थे, उनको लंबित मामलों को निराकरण करने के लिए अलग अलग प्रकार से उपाय किए गए हैं। कोरोना की समस्या के बावजूद हमने हजारों की तादाद में, बल्कि लाखों में कहेंगे, मामले राजस्व विभाग के निराकरण किए हैं। मंत्री जी, आपके अपने कोरबा विधानसभा का अगर मामला हो तो कोई खास योजना इस एक साल में जो खास कोई योजना हो कोरबा के विकास के लिए, पर्टिकुलर आपके लोकल विधानसभा के लिए? कोरबा के विकास के लिए कोरबा में मेरे ख्याल से पूरे प्रदेश में जितने 28 जिले हैं अभी वर्तमान में, 28 जिलों में सर्वाधिक तहसीलें हमने कोरबा में बनाई हैं। 5 तहसीलें आपका बरपाली, एक नई तहसील दर्री, नई तहसील अजगर बहार, उसके बाद आपका हरदी बाजार और उसके बाद पसान, उसके बाद 2 तहसीलों को भी हमने और बजट में जुड़वा दिया, इसकी घोषणा हो चुकी है, वो है आपकी भैंसमा और दीपका। तो एक जिले में 7-7 तहसीलों का गठन करना, मैं बोल रहा हूँ कि आप देखेंगे पिछले 15 साल में शायद 7 तहसील पूरे प्रदेश में नहीं बनी होंगी, तो 7 अकेले कोरबा जिले में 7 तहसीलों का गठन करना, मतलब कितना लाभदायक आम जनता के लिए होगा। कुछ उप तहसीलें भी खोली जा रही हैं, कुछ अनुभाग भी खोले गए हैं, पाली अनुभाग खोला गया है अभी, और भी आवश्यकता के अनुसार हम लोग तहसील और अनुभाग खोलेंगे और इस प्रकार से सत्ता का विकेंद्रीकरण करके आम जनता तक लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। चलिए, मंत्री जी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और होली की एक बार और शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद जी। हम बात कर रहे थे प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल जी से, अपने बारे में इन्होंने बताया और कोरबा विधानसभा के बारे में इन्होंने बताया और क्या क्या विकास कार्य होंगे पूरी मजबूती से इन्होंने हमें बताया। कोरबा से राजकुमार झा, ईटीवी भारत, छत्तीसगढ़।